हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में टैलेंट रिलेटेड डिस्कशन करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो अगर आपने ये जो हीरो आइकॉन है यहाँ पे क्लिक करोगे तो तुम्हें ये जो शील्ड, क्राउन और स्टार जैसा आइकॉन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करो तो तुम्हारा टैलेंट ट्री ओपन हो जाएगा। और टैलेंट ट्री के अंदर बहुत सारे ब्रांचेस हैं यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है। तो हर ब्रांचेस में अगर टैलेंट पॉइंट इन्वेस्ट करोगे तो उस ब्रांच का स्टैट्स इंक्रीज होगा। जैसे कि यहाँ पे टिम्बर प्रोडक्शन जो ब्रांच है, यहाँ पे अगर मैं टैलेंट पॉइंट इन्वेस्ट करूँ तो मुझे टिम्बर प्रोडक्शन का स्टैट्स इंक्रीज होगा। अगर मैं फूड प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करूँ तो मेरा फूड प्रोडक्शन का स्टैट्स इंक्रीज होगा। सो टोटल टैलेंट ट्री दो हिस्सों में डिवाइडेड है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। सो राइट साइड में अगर टैलेंट पॉइंट इन्वेस्ट करोगे तो उससे तुम्हें इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा, मतलब इकोनॉमिकल स्टैट्स तुम्हारा इंक्रीज होगा। और अगर लेफ्ट साइड में तुम अपना टैलेंट पॉइंट इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हारा वार या फिर टैग या फिर ट्रेनिंग रिलेटेड स्टैट्स इंक्रीज होगा। सो तुम जिस टाइप्स का स्टैट्स इंक्रीज करना चाहते हो उस हिसाब से टैलेंट पॉइंट इन्वेस्ट करो उस ब्रांच में और तुम्हारा स्टैट्स इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, तुम जिस ब्रांच में अपना टैलेंट पॉइंट इन्वेस्ट करना चाहते हो उस ब्रांच में टैलेंट पॉइंट इन्वेस्ट करने से पहले उसका जो प्रीवियस वाला ब्रांच है उसे अनलॉक करना होगा। और उसे अनलॉक करने के लिए मिनिमम पॉइंट इन्वेस्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, कंस्ट्रक्शन स्पीड 1, अगर मैं यहाँ पे टैलेंट पॉइंट इन्वेस्ट करना चाहूँ तो उसका जो प्रीवियस वाला ब्रांच है स्टोन प्रोडक्शन 1, इसमें मुझे मिनिमम 2 पॉइंट इन्वेस्ट करना होगा, फिर जाके मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्पीड 1 में फुल टैलेंट पॉइंट इन्वेस्ट कर पाऊँगा। ओके, सो टैलेंट पॉइंट लिमिटेड है, सो ध्यान से यूज़ करना उसे। टैलेंट पॉइंट तुम्हें प्लेयर का लेवल इंक्रीज होने से मिलता है। मैक्स प्लेयर लेवल 60 होता है। सो 60 लेवल में तुम्हें 278 टैलेंट पॉइंट मिलेगा। और 10 टैलेंट पॉइंट तुम एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हो, उसके लिए तुम्हें कुछ रिसर्च करना होगा। अगर अपने अकेडमी में जाओगे तो यहाँ पे जो मिलिट्री कॉमन नाम का ट्री है, यहाँ पे एकदम नीचे जाओगे तो तुम्हें ये हिडन टैलेंट नाम का एक रिसर्च मिलेगा। इसे कंप्लीट करने से तुम्हें एक्स्ट्रा 10 टैलेंट पॉइंट मिलेगा। लेकिन ये बहुत ही टाइम डिपेंडेबल रिसर्च है तो मैंने इसे अभी इग्नोर किया है। इन फ्यूचर अगर टाइम मिले तो करूँगा। तो अब जान लो टैलेंट को यूटिलाइज कैसे करते हैं। सो यहाँ पे देखो, मेरा एक रिसर्च चल रहा है जो ख़त्म होने में 31 डे टाइम लगेगा। सो इसीलिए देखो, मैं अभी रिसर्च में जो ब्रांच है यहाँ पे, रिसर्च का जो ब्रांच है यहाँ पे, कोई टैलेंट पॉइंट इन्वेस्ट नहीं किया हूँ। सो इस तरह से तुम टैलेंट को यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। जिस चीज़ का काम नहीं हो रहा है उस ब्रांच में तुम टैलेंट पॉइंट इन्वेस्ट मत करो, उसके जगह पे किसी और ब्रांच का टैलेंट पॉइंट इन्वेस्ट करो, फिर उस ब्रांच का स्टैट्स मिलेगा तुम्हें। और टैलेंट को रीसेट करने के लिए यहाँ पे रीसेट नाम का एक ऑप्शन है। सो रीसेट करने से तुम्हारा टैलेंट पॉइंट फिर से तुम्हारे पास आ जाएगा और जिस ब्रांच में तुम इन्वेस्ट करना चाहो उस के हिसाब से टैलेंट पॉइंट इन्वेस्ट करो। तो टैलेंट को रीसेट करने के लिए तुम्हें ये टैलेंट रीसेट वाला जो आइटम है ये चाहिए। ये तुम 1000 जेम से खरीद सकते हो या फिर गिल कॉइन से भी खरीद सकते हो। सो गिल कॉइन से खरीदने के लिए तुम्हारे पास 90,000 गिल कॉइन होना चाहिए। सो 90,000 गिल कॉइन से तुम ये टैलेंट रीसेट वाला आइटम खरीद सकते हो। तो मैं यहाँ पे तुम्हें एक खरीद के दिखाता हूँ। देखो तो हो गया, मैंने एक टैलेंट रीसेट आइटम खरीद लिया। तो अब मैं टैलेंट को इससे रीसेट कर सकता हूँ। तो तुम्हें यहाँ पे अपना टैलेंट ही ओपन किया और यहाँ पे एकदम ऊपर लेफ्ट साइड में ये इनेट टैलेंट नाम का एक ऑप्शन दिखेगा। तो इनेट टैलेंट से तुम अपना टैलेंट पॉइंट को प्रीसेट के हिसाब से सेव कर सकते हो। सो इनेट टैलेंट अनलॉक करने के लिए तुम्हें कुछ रिसर्च है उसे कंप्लीट करना होगा। तो अपने यहाँ पे जो एकेडमी है, यहाँ पे अपडेट मिलिट्री जो ट्री है, यहाँ पे एकदम नीचे जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें इनेट टैलेंट नाम का एक ऑप्शन दिखेगा। तो इसे करने से तुम दो टैलेंट सेट प्रीसेट के हिसाब से सेव कर सकते हो। तो इनेट टैलेंट ऑप्शन एक्टिव करने के लिए सिर्फ रिसर्च नहीं, उसके लिए तुम्हें और एक भी एक आइटम चाहिए जो है यहाँ पे टैलेंट टोम। तो फिलहाल मेरे पास एक टैलेंट टोम है,
मैं तुम्हें कैसे प्रीसेट करते हैं ये तुम्हें अब दिखाऊंगा। चलो तुम लोगों को एक इनेट टैलेंट में कैसे प्रीसेट करते हैं वो एक करके दिखाता हूँ। केबीके के टाइम मैं गैदरिंग करता हूँ तो उसी हिसाब से गैदरिंग का मैं प्रीसेट बनाता हूँ। चलो गैदरिंग के लिए यहाँ पे मैं मैक्स लोड में और गैदरिंग वन में टैलेंट पॉइंट इन्वेस्ट किया। देखो गैदरिंग वन को अनलॉक करने के लिए उसका जो प्रीवियस वाला जितना भी ब्रांच है वहाँ पे मिनिमम जो पॉइंट लगता है वो मैं इन्वेस्ट किया, फिर जाके मेरा गैदरिंग वन अनलॉक हुआ। चलो मैंने यहाँ पे एक प्रीसेट बना लिया है गैदरिंग के ऊपर और बाकी जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो मैं रिसर्च में इन्वेस्ट कर देता हूँ और कंस्ट्रक्शन में कुछ इन्वेस्ट कर देता हूँ। और एक्स्ट्रा अगर कुछ बचा है तो वो मैं चलो फूड प्रोडक्शन में डाल देता हूँ। मेरा प्रीसेट ऑलमोस्ट कंप्लीट, ये केबी के रिलेटेड प्रीसेट है। कंस्ट्रक्शन रिसर्च और कुछ फूड प्रोडक्शन में है। इसका नाम दे देता हूँ केबी के। इसे सेव कर देता हूँ और सेव करने के लिए देखो यहाँ पे टैलेंट टोम चाहिए तो मेरे पास अभी एक टैलेंट टोम है तो मैं उसे सेव कर देता हूँ। तो मेरा केबीके वाला इनेट टैलेंट सेव हो गया है, अब मैं इसे अप्लाई कर सकता हूँ। तो मेरा भी करंट जो टैलेंट है देखो करंट टैलेंट कुछ इस तरह है। मैं अगर इनेट टैलेंट में जाऊँगा और ये केबीके ऑप्शन में या फिर जाके अप्लाई करूँगा तो मेरा केबीके में जिस तरह से मैंने सेट किया था वो अप्लाई हो जाएगा, लेकिन उसके लिए टैलेंट रिसेट वाला जो आइटम है वो चाहिए। फिलहाल मुझे अभी टैलेंट रिसेट नहीं करना है तो मैं उसे नहीं कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में तुम लोगों ने देखा कि टैलेंट पॉइंट को कैसे यूज़ किया जाता है और इनेट टैलेंट से कैसे प्रीसेट टैलेंट सेट बनाया जाता है। टैलेंट पॉइंट का यूटिलाइज करना सीखो, ये बहुत ही काम का चीज़ है। मतलब जिस ब्रांच का स्टैट्स तुम्हें नहीं चाहिए उस ब्रांच से टैलेंट पॉइंट रिमूव करो ये रीसेट के ज़रिए, और किसी और ब्रांच में इन्वेस्ट करो जिसका स्टैट्स तुम्हें अभी के अभी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे इस अकाउंट में अभी रिसर्च का कोई स्टैट्स नहीं चाहिए क्योंकि मेरा एकेडमी 31 डे बाद खाली होगा। तो इन 31 डे में मैं टैलेंट पॉइंट किसी और जगह पे इन्वेस्ट करूँगा ताकि उस ब्रांच का स्टैट्स मुझे मिले। 31 डे बाद अगर मैं फिर से जब रिसर्च करूँगा तब मैं यहाँ पे फिर से रिसेट करके वो टैलेंट पॉइंट यहाँ पे फिर से इन्वेस्ट करूँगा और ये रिसर्च का स्टैट्स फिर से मैं गेन कर लूँगा। यूटिलाइज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है टैलेंट पॉइंट का। जब तुम ये सीख जाओगे तब तुम रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना स्टैट्स इंक्रीज कर पाओगे। जैसे कि अगर तुम्हें वार खेलना है तो तुम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन या फिर रिसर्च से या फिर प्रोडक्शन से टैलेंट पॉइंट को हटा के ये रिसर्च के ज़रिए यहाँ पे किसी वार रिलेटेड जो ब्रांच है यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे कि तुम्हें वार का स्टेट्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हें जो टैलेंट पॉइंट से जो स्टेट्स मिल रहा है अगर तुम्हारा लीडर कैप्चर हो जाए तो ये स्टेट्स तुम्हें नहीं मिलेगा। तो लीडर कैप्चर होने मत देना, लीडर कैप्चर हुआ तो यहाँ पे जितने भी स्टैट्स हैं ये नहीं मिलेगा। टैलेंट रिलेटेड डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और कुछ बोनस आइटम है वो देख लो अभी। तो गाइस बार्गेन स्टोर फिर से आ गया है। इस बार बार्गेन स्टोर में कुछ नया आइटम है जैसे कि यहाँ पे डेविल स्कैप और यहाँ पे चेस्ट पे लाइट ओवर हीरो मेडल। तुम लक ट्राई कर सकते हो यहाँ पे, और यहाँ अगर तुम्हें ये डेविस कप चाहिए तो ये भी खरीद सकते हो।
नॉर्मल टाइम अगर स्टोर से खरीदोगे तो 400 रुपया खर्च होगा। अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा जेम है तो तुम ये डेविस कैप खरीद सकते हो यहाँ से। तो गाइस आज के लिए वीडियो इतना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।